नई मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी एक्सटॉर्शन सेल मानव तस्करी के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार चार आरोपियों में से दो पुरुष और दो महिलाएं हैं। पुलिस को जानकारी मिली कि कुछ लोग एक नाबालिग बच्चे को बेचने के लिए नई मुंबई के कोपर खैरणे इलाके में आने वाले हैं। इसके आधार पर पुलिस ने पहले वहां ट्रैप लगाया था और जैसे ही ये चारों वहां पहुंचे उसके पास बच्चा भी था, लेकिन उनकी गतिविधियां संदिग्ध थी। ऐसे में पुलिस ने उसने तत्काल हिरासत में लिया और थाने ले गई। कड़ाई से पूछताछ की तो उन्होंने बच्चे को बेचने के इरादे से आए हैं इसकी बात कबूल कर ली, लेकिन अभी इस बात का और रहस्य बना हुआ है कि आखिर ये बच्चा कहीं से चोरी करके लाए या अगवा करके। पूछताछ में पता चला कि बच्चे को 3 लाख में बेचने की तैयारी थी, लेकिन उसके पहले ही इन्हें दबोच लिया गया। पकड़े गए आरोपियों में से एक आरोपी मुंबई के खार इलाके में रहती है, जबकि 3 आरोपी थाने के मुमरा और अम्बिवली इलाके में रहते हैं। बच्चे की उम्र महज 10 से 15 दिन है। पुलिस को शक है कि इन आरोपियों ने पहले भी इस तरह के अपराधों को अंजाम दिया होगा और किसी बड़े मानव तस्करी गिरोह से संबंध रखते हैं। एंटी एक्सटॉर्शन सेल क्राइम ब्रांच नवी मुंबई, इनको एक खबर लगी थी जिसमें दो आदमी और दो औरतें, एक इन्फंट यानी 10 से 15 दिन का एक बालक बेचने की तैयारी में है। ऐसी खबर से हमने ट्रैप लगाया, एक बोगस गिराई में लगा के, और उसमें हमने दो आरोपी, दो पुरुष आरोपी और दो महिला आरोपी, इनका नाम एक है माजिद शेख, दूसरा है रईस काजी, दो औरतें हैं नगीना खान और मंजूषा खाटोड़ा, ये चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास एक 10 या 15 दिन का एक बालक मिला है, जो अभी हमने विश्व बालक चैरिटेबल ट्रस्ट के जो है केयर में रखा है, और इनको हमने धर दबोचा है। अधिक तपा यानी आगे की कार्रवाई इसमें गुना दाखिल होके एंटी एक्सटॉर्शन सेल कर रही है, और चारों जो आरोपी है इनको पुलिस हिरासत में लिया गया है और 27 तारीख तक उनकी पुलिस हिरासत मिली है हमको। सर, ये चारों आरोपी कहाँ के रहने वाले थे? इसमें जो दो जो है माजिद शेख और रईस काजी, ये मुमरा के है, और नगीना अम्बिवली वेस्ट थाने, और मंजूषा खाटोड़ा जो है वो है खार वेस्ट मुंबई की। इनके ऊपर पिछले कुछ गुना दाखिल है? अभी तक जो तपास हुआ है, अभी तक इन्वेस्टिगेशन हुआ है, उसमें ऐसा कुछ अभी तक पता नहीं चला, लेकिन ऐसा लग रहा है कि और भी ऐसे